हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम लोग सीरीज़ कर रहे थे डिफरेंट ग्रेप वैराइटीज की। सो तीन ग्रेप हमने कवर किए थे एंड इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मोस्ट पॉपुलर ग्रेप अराउंड द वर्ल्ड, दैट इज़ कैबर्नेट सोविनियन। फोर्थ ग्रेप वैराइटी है इस सीरीज़ का। हम लोग और भी बाकी ग्रेप्स कवर करेंगे इन फर्दर वीडियोज़ एज वेल। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कैबर्नेट सोविनियन, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर ग्रेप है इन द वाइन मेकिंग रीजन्स इन अराउंड द वर्ल्ड। एंड इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या उसके प्रोनाउंसिएशन है, कैसे हम लोग उस वर्ड या फिर उस टर्म को बोलते हैं, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि वाइन टर्मिनोलॉजीज बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं प्रोनाउंसिएशन में, बिकॉज इट हैज़ अ यू कैन से सम फ्रेंच एंड अदर रीजनल इफेक्ट्स एज वेल। तो विच इज़ वाई हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको प्रोनाउंस किया जाता है, कहाँ का नेटिव है ये ग्रेप, किस टाइप के क्लाइमेटिक कंडीशन इसको सूट करती है, एंड वाइन पेयरिंग हम लोग किस हिसाब से कर सकते हैं इस ग्रेप की। अगर आप कोई वाइन बनाते हैं तो फूड पेयरिंग कैसे होगी, एंड ऑल्सो और भी अलग अलग चीज़ें डिस्कस करेंगे हम इस ग्रेप के बारे में। सो वॉच द वीडियो टिल दी एंड, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, सो वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं वाइन्स ग्रो इंडिया, जहाँ पे वाइन की नॉलेज मिलती है बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से। एंड मैं दूसरे सोशल मीडिया चैनल्स पे भी अवेलेबल हूँ, लाइक फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम एज वेल, ट्विटर पे भी। तो अगर आपको कोई क्वेरीज, क्वेश्चंस हैं, कोई कमेंट्स हैं, तो डेफिनेटली आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे। सो लेट्स गेट टू द वीडियो नाउ। सो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है। सो इट इज़ कैबर्ने सोविन्यों। अगर आप इसको ब्रेक करेंगे, इट इज़ कैबर्ने सोविन्यों, कैबर्ने सोविन्यों, कैबर्ने सोविन्यों। एंड ये रेड ग्रेप वैराइटल है। एंड आपने मेरा अगर टेबल ग्रेप और वाइन ग्रेप वाला वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है इसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, आप टेबल ग्रेप्स को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं वाइन ग्रेप्स में, तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। बाकी भी बहुत सारे वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हुए हैं वाइन रिलेटेड। सो अगर आपको कोई क्वेरीज़ हैं, कोई डाउट है, कोई वीडियो अगर आपको देखना है वाइन रिलेटेड, तो आप मेरा प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। अगर आप इसके नेटिव की बात करते हैं, तो इट कम्स फ्रॉम अ बोर्डो रीजन इन फ्रांस, विच इज़ साउथ वेस्ट ऑफ फ्रांस में ये पड़ता है। एंड रिलेटिवली इट इज़ हॉटर एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द फ्रांस। अगर आप नॉर्थन फ्रांस में जाते हैं, तो दैट इज़ अ रिलेटिवली कोल्डर एज कम्पेयर टू द बोर्डो रीजन, विच इज़ अ लिटिल ऑन अ वार्मर साइड। एंड इसके अगर आप पेरेंट्स की बात करते हैं, तो इट कम्स आउट कि ये दो ग्रेप्स के क्रॉस से बना हुआ है। द वन ग्रेप इज़ कैबर्ने फ्रॉन, विच इज़ अ रेड ग्रेप वराइटल, एंड जो दूसरा ग्रेप है दैट इज़ सोविन्यों ब्लॉन्क, दैट इज़ अ वाइट ग्रेप वराइटल। एंड इस दोनों के ग्रेप के क्रॉस से आपको मिलता है कैबर्ने सोविन्यों। ज़्यादा पुराना ग्रेप नहीं है ये, इसकी हिस्ट्री आपको 18th सेंचुरी के आसपास मिल जाएगी अगर आप ट्रेस करेंगे। एंड बिकॉज इट इज़ अ रेड ग्रेप वराइटल, इट प्रिफर्स वार्मर क्लाइमेटिक कंडीशन। जैसे मैंने आपको बताया कि जो बोर्डो रीजन है वो थोड़ा साउथ वेस्ट ऑफ फ्रांस में पड़ जाता है, विच इज़ अ लिटिल वार्मर एज कम्पेयर टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ फ्रांस, विच इज़ अ लिटिल कोल्डर। एंड रेड ग्रेप वराइटल को थोड़ा सा वार्म क्लाइमेटिक कंडीशंस पसंद होते हैं राइप करने के लिए। अगर थोड़ा कोल्ड होगा तो वो अच्छे से राइप नहीं करेगा फ्रूट, अगर सही से पकेगा नहीं, अच्छे से उसमें स्वीटनेस प्रोड्यूस नहीं होगी, शुगर्स नहीं होंगे, तो आपको एट दी एंड वाइन अच्छी नहीं मिलेगी, विच इज़ वाई प्रॉपर राइपनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आज की डेट में कैबर्ने सोविन्यों ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस में, मेजॉरिटी ऑफ द वाइन मेकिंग रीजन्स में आपको मिल जाएगा। बहुत ही पॉपुलर ग्रेप है ये। अपार्ट फ्रॉम बोर्डो रीजन इन फ्रांस, आपको ये चिली, यूएसए एंड बाकी और रीजन्स में भी देखने मिल जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भी आपको ये कैबर्ने सोविन्यों देखने मिल जाता है। अगर आप इसके हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, तो इट इज़ अ लेट बर्डिंग ग्रेप एंड इट रिक्वायर्स लिटिल ऑफ वार्म्थ टू राइपन अप। एंड इस ग्रेप को राइप करने के लिए थोड़ा सा हीट की ज़रूरत पड़ती है, सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, विच इज़ वाई इसकी बर्डिंग भी थोड़ी लेट होती है एंड हार्वेस्टिंग भी कंपेरेटिवली थोड़ी लेट होती है। एंड अगर आप बात करेंगे कि किस टाइप की सॉइल ये सूट करता है, बेसिकली इट प्रेफर्स मोस्टली पेबली, रॉकी एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल, जिसमें कि ज़्यादा वाटर रिटेंशन नहीं होता है। ज़्यादा वाटर रिटेंशन होगा तो बेसिकली जो ग्रेप वाइन्स होती हैं, इट विल सक लॉट ऑफ वाटर एंड वो डायरेक्टली ग्रेप के क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ता है। ज़्यादा वाटर की वजह से जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ग्रेप्स का, फ्लेवर्स होते हैं, वो ब्लोट हो जाएंगे, वाटरी हो जाएंगे, एंड एट द एंड आपको एक फ्लैबी वाइन मिलती है, बहुत ही यू कैन से बहुत ही डाइल्यूटेड वाइन मिलती है, कॉन्सेंट्रेटेड फ्लेवर्स नहीं होते हैं इसमें, विच इज़ वाई इट प्रेफर्स अ वेल ड्रेन रॉकी सॉइल। ऑल्सो ये वन ऑफ द
मोस्ट प्लांटेड ग्रेप वराइटल है अराउंड द वर्ल्ड। अगर आप देखेंगे कहीं पे भी आपने ये ग्रेप वराइटल ज़रूर सुना होगा, कैबरे सौविग्नियन इसका नाम है। एंड अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जस्ट गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं इस ग्रेप के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ये जो ग्रेप होता है ये स्मॉल इन स्ट्रक्चर होता है, छोटे ग्रेप्स होते हैं एंड इसके जो स्किन्स होती हैं बहुत ही थिक होती हैं। एक मैंने वीडियो अपलोड किया था रिसेंटली, दैट इज़ हाउ डू वी गेट द कलर फ्रॉम आउट ऑफ अ वाइन, लाइक रेड वाइन का कलर रेड क्यों होता है। सो मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है अबाउट टैनिन्स एंड एंथोसाइनिन्स। सो एंथोसाइनिन्स आर हाई इन कैबरने सौविग्नियन बिकॉज ऑफ द थिक स्किन, एंड बिकॉज ऑफ द थिक स्किन उसके जो टैनिन लेवल्स हैं वो भी बहुत हाई होते हैं। एंड मोस्टली जो कैबरने सौविग्नियन हैं ये ब्लेंड किए जाते हैं दूसरे ग्रेप वराइटल्स के साथ, लाइक मर्लो। एंड बिकॉज इसके जो टैनिन लेवल्स होते हैं कंपेरेटिवली थोड़े हायर होते हैं, सिंगल वराइटल वाइन भी बनती हैं बट इट इज़ प्रेफरेबली blended with other grape varietals so that as to balance the wine altogether. And mostly ये आपको फ्रांस में देखने मिल जाएगा, बाकी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी आपको ये इसकी ब्लेंडिंग मिल जाती है दूसरे ग्रेप वराइटल्स के साथ। एंड अगर आप इसके कलर की बात करते हैं तो डीप रूबी रेड का इसका कलर रहता है, तो आप वो वाला वीडियो चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने वाइन के कलर के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि वाइन का कलर आपको कैसे मिलता है, रेड का कलर, डिफरेंट शेड्स का रेड्स क्यों होते हैं, तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। एंड आफ्टर प्रोड्यूसिंग अ वाइन आउट ऑफ अ कैबरने सौविग्नियन ग्रेप, इसको बैरल्स में इसको एज किया जाता है फॉर सम टाइम टू स्मूथ द टैनिंस। अगर आपको चाहिए कि मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाऊं कि बैरल में एजिंग क्यों होती है, आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो आई वुड लाइक टू नो कि अगर आपको एक वीडियो वो वीडियो चाहिए तो मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा कि वाइन्स को बैरल में डाल के एज क्यों किया जाता है। तो जस्ट टू लेट यू नो, इन शॉर्ट बेसिकली इट हैज़ हाई टैनिन कंटेंट एंड माइक्रो ऑक्सीजनेशन की वजह से उसके जो टैनिन लेवल्स हैं वो स्मूथ हो जाते हैं, एंड विच इज़ वाई एट द एंड ऑफ द एजिंग प्रोसेस आपको एक कंपेरेटिवली सटल वाइन मिलती है, थोड़ी सी स्मूदर वाइन मिलती है एंड उसके टैनिन लेवल्स भी काफ़ी लो हो जाते हैं। सो जस्ट कमेंट डाउन बिलो अगर आपको माइक्रो ऑक्सीजनेशन एंड एजिंग के बारे में एक वीडियो चाहिए। तो आप देखेंगे जैसे मैंने आपको बताया कि कैबरने सौविग्नियन जो होते हैं वो ब्लेंड होते हैं मर्लो के साथ, बिकॉज मर्लो के जो कैरेक्टर्स होते हैं थोड़े से सटल होते हैं एज़ कम्पेयर टू कैबरने सौविग्नियन। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए, लाइक कैबरने सौविग्नियन के टैनिन लेवल्स को थोड़े लाइट करने के लिए मर्लो के साथ उसके ब्लेंडिंग होती है। लेफ्ट बैंक राइट बैंक इट्स अ लिटिल टेक्निकल, लेकिन उसमें लेफ्ट बैंक इज़ मोर ऑफ अ कैबरने सौविग्नियन ओरिएंटेड एंड राइट बैंक इज़ मोर ऑफ अ मर्लो ओरिएंटेड। वाइन्स मेड आउट ऑफ कैबरने सौविग्नियन आर जनरली पुट फॉर एजिंग फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, एंड एज के बाद, एजिंग करने के बाद जो वाइन आपको रिजल्टेंट वाइन मिलती है आफ्टर एजिंग इज़ फार बेटर एज़ कम्पेयर टू अ वाइन विच इज़ यंगर इन स्टाइल। आप वो वाइन कंज्यूम कर सकते हैं बट उसके टैनिन लेवल्स हाई होंगे, ज़्यादा इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स फ्लेवर्स नहीं होंगे। बट अगर आप एक एज कैबरने सौविग्नियन कंज्यूम करते हैं तो डेफिनेटली उसके कॉम्प्लेक्स फ्लेवर्स एंड प्रोफाइल्स उसकी डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू अ यंगर कैबरने सौविग्नियन। एंड अ कैबरने सौविग्नियन कैन इवन एज फॉर 30-40-50 ईयर्स एज वेल। वाइन स्टोरेज आपको प्रॉपर रखनी पड़ती है, तो यू कैन चेक आउट माई वीडियो फॉर वाइन स्टोरेज, मैं आई कार्ड्स में डाल दूंगा एंड यू कैन चेक दैट वीडियो आउट एज वेल। एंड बिकॉज ऑफ द हाई टैनिन लेवल एंड अ गुड स्ट्रक्चर फुल बॉडी, आप एक कैबरने सौविग्नियन को लॉन्ग टर्म तक एजिंग कर सकते हैं इफ़ यू स्टोर इट प्रॉपरली। अगर आप इसके फ्लेवर प्रोफाइल की बात करते हैं, सो बेसिकली इसमें फ्लेवर्स आपको मिल सकते हैं लाइक डार्क बेरीज, ब्लैक करंट जैसे ब्लैक चेरीज, मे बी सिगार, मिंटी, ग्रीन पेपर, ओकी, टबेको, डार्क चॉकलेट जैसे इसमें कैरेक्टर्स मिल सकते हैं अलॉन्ग विद सम ग्रीन बेल पेपर्स समटाइम्स। एंड ग्रीन जो नोट्स आपको मिलते हैं यूजली उन रीजन से मिलते हैं जो कि एक कोल्डर रीजन होते हैं, लाइक फ्रांस थोड़ा सा कंपेरेटिवली कोल्डर है अगर आप यूएस से कंपेयर करते हैं तो। तो डेफिनेटली अगर आप एक फ्रेंच कैबरने सौविग्नियन कंज्यूम करेंगे तो यू माइट गेट सम ग्रीन ग्रासी एंड बेल पेपरी नोट्स। बट डेफिनेटली अगर आप एक वार्मर क्लाइमेटिक कंडीशन से एक कैबरने सौविग्नियन कंज्यूम करते हैं तो आपको एक मोर ऑफ मोर राइप फ्रूट, ब्लैक बेरीज, ब्लैक चेरीज जैसे कैरेक्टर्स उसमें मिलते हैं। दिस ग्रेप हैज़ अ लॉट ऑफ कैरेक्टर एंड अबिलिटी विच इज़ वाई इट इज़ पॉपुलर अराउंड द वर्ल्ड। सो विच इज़ वाई मोस्ट ऑफ द बिग वाइनरीज एंड वाइन मेकर्स यूज दिस ग्रेप इन मेकिंग सम एक्सेप्शनल वाइन अराउंड द वर्ल्ड। जैसे मैंने बताया कि की प्लेसेस जो हैं इसके जहाँ पे ये ग्रो करता है, लाइक आफ्टर बोर्डो फ्रांस इट ग्रोज इन मोस्ट ऑफ द रीजन्स लाइक यूएसए, अर्जेंटीना, चिली एंड ऑस्ट्रेलिया एज वेल। सो मेजॉरिटी ऑफ द वाइन प्रोड्यूसिंग रीजन्स
आर ग्रोइंग कैबिनेट्स ऑवेन्यू इन टूडेज टाइम एंड मोस्ट ऑफ द जगहों पर आपको ये कैबिनेट्स ऑवेन्यू ग्रेप मिल जाएगा एंड डेफिनेटली इंडिया में भी कैबिनेट्स ऑवेन्यू ग्रेप ग्रो होता है एंड वी आर मेकिंग सम गुड वाइन्स इन इंडिया एज वेल आउट ऑफ कैबिनेट्स ऑवेन्यू बिकॉज ऑफ द हॉटर क्लाइमेटिक कंडीशन. इट इज़ वेरी सपोर्टिव क्लाइमेटिक कंडीशन सपोर्ट करता है ग्रेप को ग्रो करने के लिए बिकॉज इट नीड्स सम वॉर्म्थ इट नीड्स सम सनलाइट एंड इंडिया में इट लाइक वी हैव सम एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सनलाइट. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फूड पेयरिंग की. सो फूड पेयरिंग की अगर आप बात करते हैं तो कैबिनेट सौवन्यू वाइन गोज वेल विद एनी टाइप ऑफ रेड मीट्स और यू कैन से सम सॉसी रिडक्शंस के साथ भी आप ये पेयर कर सकते हैं. लाइक स्टेक अगर आप लेते हैं तो यू कैन ट्राई विद स्टेक एज वेल. कोई भी इटालियन रेड सॉस पास्ता यू कैन ट्राई इट विद दैट एज वेल. इट गोज़ रियली वेल विद सॉसेज एंड रिडक्शंस से जो फूड प्रिपरेशन होता है डेफिनेटली इट गोज़ वेल विद दैट एज वेल. इट हैज़ वेरी इंटेंस फ्लेवर प्रोफाइल which is why it goes well with any intense flavor profile of food as well. So let's move on to the fun fact for the day and aaj ka jo fun fact hai that is jo Cabernet Sauvignon grape hai that is the most planted grape around the world with 840,000 acres approximately jo land hai that is used to plant it is used to plant the Cabernet Sauvignon grape around the world. Napa Valley which is in USA is also one of the major producer of Cabernet Sauvignon and Chile में भी ये one of the biggest producing wine grape है. So that is it for my video for today. Thank you very much for watching the video till the end. I hope आपको ये video पसंद आया होगा and definitely give it a thumbs up. Subscribe कीजिए, share कीजिए मेरे channel को. एक नीचे bell icon होगा उसको भी press कर दीजिएगा and अगर आप all पे select करते हैं so you'll be getting my video notification सबसे पहले and ये मेरे research and मेरे knowledge पे based ये video है. कोई queries question है तो आप definitely comment कर सकते हैं नीचे and definitely I'll revert to it. एंड कोई चीज़ मैंने छोड़ दी हो एंड यू थिंक कि मुझे ऐड करनी चाहिए थी तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. आई अप्रिशिएट इट एंड लेट मी नो अबाउट दिस वीडियो कैसा लगा आपको. ये वीडियो नीचे कमेंट कीजिए वाई अगर आपको अच्छा लगा एंड अगर आपको नहीं लगा कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो डेफिनेटली आई विल वर्क अपॉन इट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड. बाकी सोशल मीडिया चैनल्स पर भी आप उससे जुड़े रह सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ. अंटिल देन टेक केयर स्टे सेफ ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड जय हिंद.